है वो रोफ कर रहे हैं अपनी रिजर्वेशन की जो आईडी कार्ड वगैरह है, और ये घुसते ही जो एक खूबसूरत सा एक्वेरियम आप देखें कितना खूबसूरत है ये। एंट्रेंस पे इन्होंने ये रखा हुआ है। मेरा कुछ सही होगा हम अपने कमरे तक जाएंगे। रामना को फोन करती हूँ। ये हमारा आ गया फिफ्थ फ्लोर। ये हमारा रूम माशाल्लाह से खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये कि बहुत लंबा सफ़र करके हम अब पहुँचे हैदराबाद, और हैदराबाद में ये इंडस होटल में हमारी रिजर्वेशन पहले से मेरी स्टूडेंट ने बुक करवाई हुई थी, और बहुत ही ख़ूबसूरत उसने एक रॉयल जो है हमें पूरा पैकेज लेके दिया कि हम आज रात सुकून से सो सकें। ये देखें कि ये कमरे की मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ कि कितना ख़ूबसूरत इनका एनवायरनमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी लगा हुआ है। एक सिटिंग इनकी ये पूरी इन्होंने हमें दी है। एक साइड पर जो है वो ड्रेसिंग टेबल और उधर वॉशरूम है। इधर ये थोड़ा सा शायद अभी मैं तैयार व्यार भी हूँ जाने के लिए, हमने डिनर पे जाना है। एक दो सिटिंग ये वहाँ पर हमारा सामान एलसीडी, और बाकी सब आप देख लें कि हम कितने बजे पहुँचे हैं। 7 बजने वाले हैं। वॉशरूम में आपको दिखा देती हूँ जो सबसे मेन पार्ट है कि ये इन्होंने एक स्लीपर दी हुई है कि वॉशरूम में इन्होंने ये यूज़ करवानी है। और ये देखें कितना नीट एंड क्लीन, और ओवन शोवन भी दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एक वन नाइट के लिए हैं, हमें इधर रहना नहीं है। वन नाइट के लिए इतना ही ठीक है, और आगे जो है वो देखें हम आपके साथ फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब हम जब कमरे में आए थे, फिर फ्रेश हुए, फिर हमने खाना ऑर्डर किया, तो हमने फिर सोचा कि हैदराबाद में है तो फिर क्यों ना बिरयानी मंगवाई जाए। तो उसी होटल से हमने ऑर्डर किया। ये हो गई सलाद, ये थोड़ा सा और लज्जत रेस्टोरेंट के नाम से है। हाँ, ये लज्जत का इनका है, और माशाल्लाह बिरयानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा हुआ हमने दो नहीं ऑर्डर की। और ये रायता, और ये फ्राइज। चले ये हमारी जो है ना, कि इनको हमने बोला था कि हम कराची वाले हैं, पर ये देखें माशाल्लाह ये। अब ये हम खाना खाएंगे, और थोड़ा सा बिरयानी बहुत मशहूर है सुनने में आपके। This is your spoon. बिरयानी बहुत ज़्यादा दी उन्होंने 500 रुपये में। कैसा है? देगी है। चले जी, ज़बरदस्त जी, पास हो गई है तो हम खाना खाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारी सुबह हो गई है, हम लोग जा रहे हैं अपने नाश्ते की तरफ। माशाल्लाह ग्रीनरी इन्होंने काफ़ी की हुई है। नाश्ते का मैं आपको दिखाती हूँ, ये व्यू देखें आप इसका कितना खूबसूरत है। हाय, ये चीज़ें ही तो मैटर करती हैं। ये इधर है ना कोई? ये जी हमारा नाश्ता। मैं बहुत कम खाऊंगी सारी चीज़ें, लाइट वाला कुछ। ये हमने अपना नाश्ता लिया है, क्योंकि नाश्ता जो है ना वो थोड़ा हल्का ही होना चाहिए। चीज़ें तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा होना चाहिए नहीं, वो अजीब से हो जाता है ना। ये जहाँ अंदर बैठे हैं ना,
वहाँ से बाहर का व्यू देखें आप। ये थोड़ा इनकी जो लॉबी के बाद का जो एंट्रेंस है ना होटल के, जो जहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं वहाँ का ये एंट्रेंस है। और मेरा नाश्ता था दही जो मैं खा चुकी हूँ, पानी, नाश्ता खा रही हो भाई, चाय। नाश्ते का मज़ा नहीं आया? नहीं आया मुझे। आपको क्या खाना था? नाश्ता तो होना चाहिए वहीं। क्या खाना था बताओ? पाए, चने, हलवा, पूरी, पंजाब वाला। मतलब हैदराबाद में कहते हैं कि नाश्ते में कीमा कौन खाता है, मैंने कहा खाते होंगे सिंध के लोग। पराठे भी नहीं मेरे साथ। ये मैंने लास्ट बट नॉट लीस्ट जूस मंगवाया है पीच का, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर नहीं, पर मैं पी नहीं पा रही क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, मैं ठंडा नहीं पी सकती। तो अब ये रखा है, ये अगर बरसात पीते हैं तो सही है, वरना ये रखा रह जाएगा। ये जब जहाँ से हमने खाना खाया ना वहाँ से जब हम निकलते हैं ना तो वहाँ से ये इनकी लॉबी पूरी बनी हुई है। लोग सब अपना फ़ोटोशूट कर रहे हैं। यहाँ से ये देखें, ये एक इन्होंने बहुत खूबसूरत सा फ्रेम लगाया हुआ है। हमारी जहाँ से एंट्रेंस हुई थी वहाँ भी बहुत खूबसूरत फ़िश एक्वेरियम था, और यहाँ पर भी हमारे घर में भी एक्वेरियम रह चुका है तो हमें ये पसंद बहुत है। और ये लॉबी के अंदर जो है ये इनकी देखें इस तरह से सिटिंग, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। नाश्ता करने के बाद जी वापसी हमारी। सबसे अच्छा ये व्यू है। ग्रीनरी भरी हुई है माशाल्लाह। ये है इंडस होटल। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, योर कम्फर्ट इज़ अवर प्योरिटी। ये इनका लोगो है, ये इनका नंबर है अगर आप लोग कभी आना चाहें, ये इनकी वेबसाइट है। और लग्जरी तो है ये वाकई में, इसको आप 3-4 स्टार पे काउंट कर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या कर रही हैं इस वक्त, क्या टाइम हो रहा है? हाँ बस मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ, बस अपने रूम में जा रही हूँ। मुझे बताइए क्या टाइम हो रहा है नेपाल में? अब यहाँ से हमारा चेकआउट शुरू और वापसी की तरफ अब जाएंगे आमना शाह की तरफ, उनके सलून। वहाँ पर मैं एक करूँगी ब्राइड को रेडी, उसके बाद फिर आपको दिखाऊँगी कि वो ब्राइड भी मैंने कैसे बनाई है। लिफ्ट ऊपर ही है? नहीं, ज़ीरो पे है, क्लिक करो, 5 पे आएगी फिर खुलेगी। ये लोग अभी गए हैं ना। कुछ कहना चाहेंगे आप होटल की सर्विसेज के हवाले से? बहुत अच्छा रहा, बस कुछ खाने के इश्यूज हमें लगे क्योंकि हमें नाश्ता नहीं पसंद आया। नाश्ते में थे कुछ टेस्ट, मतलब हैदराबाद आए इतनी दूर पंजाब से और हम सोच के आए थे कराची वाला पराठा सॉफ्ट नहीं था, बनाने वाला है थोड़ा सा, उसको था टेस्ट नहीं उसके आगे। बाकी ओवरऑल सर्विसेज अच्छी हैं, बस यही कहना है क्योंकि जिस तरह का बना हुआ है फर्नीचर और इनका स्टाइल जस्ट लाइक ओल्ड काइंड ऑफ, हो सकता है पुराना हो ना। बाकी ये कि ओवरऑल बहुत मज़ा आया क्योंकि हमें सब नींद चाहिए थी, बहुत थके हुए आए थे हम लोग सफर से। जैसा बेड मिला तो फिर हम एसी मिला, वॉशरूम मिला, ये चीज़ें सफ़र में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती ना जो एक होटल में ही आके। आप लोग अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह, ये अपना एक
को अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पर एक नया व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। देखें आगे ही लिफ्ट, बिजनेस टूर बहुत अच्छा चल रहा है। ये अब हम जाएंगे नीचे और इसको ख़त्म करेंगे अपने। थैंक यू। चले जी यहाँ से हमारी वापसी। धूप शदीद हैदराबाद के अंदर, गर्मी शदीद। कमरे में तो एसी थे तो पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि कितनी गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा। आईडी कार्ड हमारे पास है ना हमारे। अब हम जा रहे हैं आमना की तरफ जो है उसके सलोन में, और जिससे मेरी एक आज की मीटिंग है, फिर डे आफ्टर टमोरो इंशाल्लाह फिर उसके साथ मेरी मीटिंग है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इस वक्त हैदराबाद में आप देखें कि कितनी शदीद गर्मी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक का एहसान है कि गाड़ी में भी एसी है और होटल में भी फुल टाइम एसी था, इसलिए इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा। यहाँ से टर्निंग हमारी, ये हमारा मेन हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, बदीन, मीरपुर ख़ास, ये मेन इनकी टर्निंग्स हैं। कोच एरिया जहाँ घूम रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा इलाका है सारा। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो शॉपिंग मॉल, उधर ही है आमना का सलोन हैदराबाद के अंदर। रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि डे टाइम शुरू हो गया है, 12 बज रहे हैं इस वक्त, 12:13 हो रहे हैं। मैं सलोन पहुँच के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब हम जा रहे हैं आमना के सलोन में, ये शॉपिंग मॉल के अंदर ही है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ ना तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। ऊपर जाके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।